नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स फैक्ट में। मैं हूं अजय ठाकुर। टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज अब एक रोमांचक मोड पर पहुंच चुकी है, क्योंकि सीरीज के शुरुआती दो मुकाबले मेहमान टीमों ने जीत लिए। दिल्ली में जो खेला गया मुकाबला पहला T20, वो साउथ अफ्रीका ने जीता। उसके बाद कटक में भी भारतीय टीम को साउथ अफ्रीकी टीम के हाथों पटखनी झेलनी पड़ी, और फिर उसके बाद विशाखापट्टनम T20I में भारतीय टीम ने बाउंस बैक किया। अब ये जो सीरीज है ये अब पहुंच चुका है राजकोट, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में सीरीज का चौथा T20I खेला जाएगा। और इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम यानी सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम राजकोट में गेंदबाजों को मदद मिलेगी या फिर मदद मिलेगी बल्लेबाजों को, क्योंकि जो सीरीज के तीन मुकाबले खेले गए अब तक हमने देखे कि उन तीनों ही मुकाबलों में गेंदबाजों को बहुत ज़्यादा मदद मिली। हालांकि जो दिल्ली वाला जो T20I था वो मैदान भले ही गेंदबाजों के मुफीद था, लेकिन बल्लेबाजों ने खूब रन कूटे। तो क्या सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में भी गेंदबाजों को मदद मिलेगी या फिर बल्लेबाज समा बांध जाएंगे? इस वीडियो के एंड तक आपको तमाम वो जानकारियां मिल जाएंगी, और साथ ही साथ इस मैदान के जो T20I रिकॉर्ड्स है, किसके नाम सबसे ज़्यादा रन्स है, कौन सबसे ज़्यादा विकेट्स ले चुका है, भारतीय टीम की तरफ से किस पर हमें दांव लगानी चाहिए, किस पर हमें भरोसा करना चाहिए और किससे बचने की कोशिश होनी चाहिए, वो तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। दरअसल राजकोट में अब तक भारतीय टीम ने 3 T20I मुकाबले खेले, 3 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले, और इन तीनों ही मुकाबलों में जो है कहीं ना कहीं गेंदबाजों को उतनी ज़्यादा मदद नहीं मिली है। बल्लेबाजों के लिए एक बहुत ही अच्छी पिच मानी जाती है राजकोट की ये पिच, और अगर सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की हम बात करें तो इस मैदान पर भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को पटखनी दी है, न्यूजीलैंड के हाथों हार झेली है, तो वहीं बांग्लादेश को अपने पिछले T20I में भारतीय टीम ने इस मैदान पर पटखनी दी है। और अगर हम साफ साफ शब्दों में अगर जानने की कोशिश करें या फिर ये समझने की कोशिश करें कि ये जो पिच है यहाँ पर किसे सबसे ज़्यादा मदद मिलेगी, तो बहुत ही साफ है इसका आंसर, और आंसर ये है कि बल्लेबाजों को मदद मिलती है इस पिच पर, क्योंकि जो लोएस्ट स्कोर है इस मैदान पर वो 150 से ऊपर लोएस्ट स्कोर है, और हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो वो 200 से ऊपर है। चलिए अब कुछ आंकड़े कुछ रिकॉर्ड्स जान लेते हैं। राजकोट के मैदान पर जो T20I बड़े बड़े रिकॉर्ड्स है, खासतौर पर भारतीय टीम ने जो मुकाबले खेले हैं वो उन मुकाबलों में कैसा प्रदर्शन रहा है, तो एक एक करके ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं वो सारे रिकॉर्ड्स और वो सारे आंकड़े राजकोट के मैदान पर, जो हमें इस मुकाबले से पहले जानना अनिवार्य है। टीम इंडिया ने इस मैदान पर अब तक 3 मैच खेले हैं, और उसमें से 2 मैचों में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है। 2013 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया, जबकि 2017 में न्यूजीलैंड से 40 रन से हार गया। भारत ने SCA में खेले गए अपने आखिरी मैच में 2019 में बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया था। राजकोट में T20I रिकॉर्ड्स, मोस्ट रन्स, इस मैदान पर सबसे ज्यादा रन कॉलिन मुनरो के नाम है, उन्होंने 109 रन बनाए हैं कुल इस मैदान पर। तो वहीं भारत की तरफ से रोहित शर्मा ने 98 रन बनाए हैं इस मैदान पर। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर की बात करें तो कॉलिन मुनरो ने 109 रनों की पारी खेली है, वहीं भारत की तरफ से रोहित शर्मा के नाम 85 रन हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है। सबसे ज़्यादा छक्कों की बात करें तो कॉलिन मुनरो और रोहित शर्मा दोनों ने ही इस मैदान पर 7 छक्के लगाए हैं। हाईएस्ट टोटल की बात करें तो 202 पर 4 भारत ने बनाया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और उस मुकाबले में भारतीय टीम को जीत मिली थी। लोएस्ट टोटल की बात करें तो 153 6 विकेट के नुकसान पर बांग्लादेश ने इस मैदान पर बनाया है लोएस्ट टोटल भारत के खिलाफ। सबसे ज़्यादा विकेट्स की बात करें तो इस मैदान पर 4 विकेट्स हासिल करके ट्रेंट बोल्ट नंबर 1 पर है। भारत की तरफ से आर विनय कुमार, भुवनेश्वर कुमार और युजवेंद्र चहल ने 3-3 विकेट्स लिए हैं और वो टॉप पर हैं।
बेस्ट इकोनॉमी की बात करें तो जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा इस लिस्ट में टॉप पर है। इन दोनों की इकोनॉमी 5.75 की है। मोस्ट डिसमिसल्स की बात करें विकेट कीपर के तौर पर तो ब्रैड हेडन और ग्लेन फिलिप्स ने 2-2 डिसमिसल्स हासिल किए हैं। हाईएस्ट पार्टनरशिप की बात करें तो रोहित शर्मा और शिखर धवन के नाम इस मैदान पर हाईएस्ट पार्टनरशिप का रिकॉर्ड है और इन दोनों बल्लेबाजों ने 118 रनों की पार्टनरशिप इस मैदान पर की है। और मोस्ट कैचेस की बात करें तो इस लिस्ट में रोहित शर्मा टॉप पर है, उन्होंने 2 कैच हासिल किए। तो इस वीडियो में आपको हमने बताया कि राजकोट के मैदान पर T20I रिकॉर्ड्स कैसे हैं, भारतीय टीम के रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं और बल्लेबाजों को मदद जो है गेंदबाजों की तुलना में ज़्यादा मिलने वाली है। हाईएस्ट टोटल की अगर हम बात करें तो इस मैदान पर 202 रन भारत की टीम ने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो वीडियो के एंड में आप लोगों से एक छोटा सा सवाल, जो चौथा T20I खेला जाएगा, वैसे भी जो आंकड़े, जो रिकॉर्ड्स, जो स्टैट्स, जो कागजी तौर पर जो बातें सामने आ रही है, वो ये बातें सामने आ रही है कि बल्लेबाजों के लिए मददगार होगी ये पिच। तो ऐसे में साउथ अफ्रीका और भारत की टीम के खिलाफ जो चौथा T20I खेला जाएगा उसमें हमें कितने रन्स एक्सपेक्ट करने चाहिए फर्स्ट इनिंग में, वो आप कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि क्या भारतीय टीम चौथा T20I जीत सकती है। आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। ये वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें। थैंक यू सो मच।